आजकल पहले तो बीमारियां दिखने वाली होती थी कि सबको दिखाई देती थी, जैसे दमा हो गया, अस्थमा हो गया, टीबी हो गई, शरीर सिकुड़ने लगा और चोट लग गई, बुखार हो गया। इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जो महसूस हो जाती थी, हाँ रोगी है शरीर। लेकिन आजकल बीमारियां अजीब किस्म की होने लगी, जिसको पहले हार्ट अटैक था उसको पहले अमीरों की बीमारी बोलते थे, आजकल उससे भी एक खतरनाक जो विश्व में फैली हुई है वो है डिप्रेशन की, तनाव की, कि पढ़ने वाले भी डिप्रेस हैं, नौकरी वाले भी डिप्रेस हैं, बिजनेसमैन वाले भी डिप्रेशन में हैं। हर प्रकार के लोग, छोटे से लेकर के बड़े तक, किसी को भी बात करके देखो, हर कोई झेल रहा है, चाहे घर में हो, समाज में हो, जीवन में हो, काम में हो, किसी भी जगह पर देखो जाकर के, हर आदमी बस परेशान है। परेशानी का कारण भी नहीं मालूम, लेकिन परेशान है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि रोग पूछो, कारण पूछो कि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डिप्रेशन में हूँ। आत्महत्या के विचार दौड़ने लगते हैं, सब कुछ छोड़कर जाने का मन होता है, अंदर से टूट जाता है जीव, किसी भी कारण से कुछ भी, बस दिमाग के ऊपर बोझ पड़ता है और वो विचार नहीं निकलते। बार 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 वही विचार टकराते रहते हैं, वही विचार टकराते रहते हैं। इसका समाधान खोजने के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिन डॉक्टरों के पास आप जा रहे हैं वो खुद भी डिप्रेशन में है। हैरान, बड़े आश्चर्य की बात, बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि विचारों का जो तालमेल है उनका ही स्वयं मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो किसी और अच्छे काउंसलिंग करने वाले के पास जाते हैं। बहुत खतरनाक समय है कि एक दूसरे की काउंसलिंग कर रहे हैं, रिजल्ट और परिणाम कुछ नहीं, नींद की गोलियां दे देते हैं, और अगर एक बार ये दवाइयां शुरू हो जाती हैं 10 वर्ष 20 वर्ष, मतलब मरते दम तक ये बंद नहीं होती। जब युवावस्था में ये हालत है, तो जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब आयु के आखिरी पड़ाव के ऊपर होगे, तब क्या हालत होगी आपकी। तो ये जो है ये बहुत गहरा समाज के अंदर घुस गया है, लोगों के अंदर घुस गया है, कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसका समाधान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप समाधान इसका खोजना चाहते हो, आप देखते होगे YouTube के ऊपर भी खोज करके, Google के ऊपर भी खोज करके, डॉक्टरों के पास भी जा करके, काउंसलरों के पास भी जा करके, अपने आसपास के मेडिकल के जो लोग के दोस्त हैं आपस में वो भी काउंसलिंग करते हैं, आपस में बैठ करके लोग वो भी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। इसका सबसे जो रिजल्ट है, हमने निकाल करके देखा है, प्रयोग करके देखा है, लोगों के ऊपर प्रयोग करके देखा है, डिप्रेशन में जो लोग हैं उनके ऊपर प्रयोग करके देखा है, सबके ऊपर इसका इस्तेमाल करके देखा है। एक तो आप अपने जीवन की दिनचर्या बदल दीजिए, कितना भी जोर लगे, कितना भी प्रयास करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन बदलना पड़ेगा आपको। दूसरा, आप अपने जीवन में योग को जगह दें, योग को जीवन में शामिल करें, योग को ले करके आएं, पहले शारीरिक तल के ऊपर ले करके आएं, योगा के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए, भोजन समय पर करने के लिए, फिर धीरे 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 इसको मानसिक तल के ऊपर ले करके जाएं, और ध्यान वगैरह और मौन साध लेना, त्राटक करना, किसी भी तरह से आप इसको मानसिक तल के ऊपर ले करके जाएं। जब आप इसको मानसिक तल के ऊपर ले करके जाएंगे, इसके प्रभाव शरीर के साथ, मन के ऊपर
और मन के साथ बुद्धि के ऊपर आपको दिखाई देने लगेंगे। और जब ये प्रभाव दिखने लगेंगे, आपका जीवन परिवर्तन होने लगेगा, न आपको दवाइयों की आवश्यकता रहेगी, न डॉक्टरों की आवश्यकता रहेगी, न काउंसलर की आवश्यकता रहेगी, न काउंसलिंग की आवश्यकता रहेगी। आप स्वयं ही अपने डॉक्टर हो जाएंगे, आप स्वयं ही अपने वैद्य हो जाएंगे, आप अपने आप को स्वयं ही संभाल सकते हैं, स्वयं ही देखभाल कर सकते हैं। आप ये अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखिए, इसमें हानि नहीं है कुछ भी, आपका कुछ पैसा भी नहीं लगता, ये कहीं से खरीदना भी नहीं पड़ता, इसमें बस केवल लाभ ही लाभ है।